अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद करती हूँ आपसे खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ द डेजर्ट साइकिक्स माय नेम इज़ नी मिस आई एम अ लेक्चरर इन साइकोलॉजी एंड टुडे वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अ काउंसलिंग यानी जब हमारे पास क्लाइंट uh, आता है सबसे पहले हमें क्या करना है हमने सबसे पहले एक इनिशियल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना होता है उनको एक काउंसलिंग का एक बैकग्राउंड बताना होता है या थेरेपी का बैकग्राउंड बताना होता है कि आपको मैं नहीं जानती आप मुझे नहीं जानते इसीलिए मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगी या लेना चाहूँगा जिस वो जो कि आपकी पर्सनल लाइफ आपकी सोशल लाइफ आपकी इंटरपर्सनल लाइफ इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी फ्राम लाइक like, uh, आपकी जो जब एज यानी ट्वेल्व ईयर्स या जब से बंदा समझता है अपने आप को उस एज से लेकर अभी तक जितने भी आपके जो एक्सपीरियंसिस हैं हम उसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये एक हमने एक इनिशियल uh, स्ट्रक्चर uh, बताना होता है उसके बाद हमने रेपो डिवेलप करनी होती है काउंसलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट काउंसलिंग में रेपो बिल्ड करना होता है क्योंकि हम क्लाइंट के लिए नए होते हैं क्लाइंट हमारे लिए नया होता है वो क्यों हम पर ट्रस्ट करेगा तब ट्रस्ट करेगा जब वो हम उसको एश्योरिटी दिलाएंगे कि हाँ आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रहेगी या हम रापों में ये भी आ, मतलब ये भी चीज़ आ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आ, हमारे टीचर्स हमें अक्सर कहा करते थे कि आप ये ना सोचें कि मतलब आप क्लाइंट को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लाइंट भी आपको ऑब्ज़र्व करता है जैसे आ, अगर कोई डॉक्टर के पास चला जाए और वो डॉक्टर उसको तोजह से उसकी सारी बातें ना सुने और बस डायरेक्टली मेडिसिन लेते तो लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर तो सिर्फ डिजीज़ को डायग्नोज करता है वो उसकी पूरी पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर की पूरी पर्सनैलिटी को सैस कर लेते कि अच्छा डॉक्टर नहीं था इसने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी और मुझे दवाइयाँ लिखती तो इसी ये ये काउंसलिंग में भी ऐसा होता है कि हम सिर्फ उसको नहीं ऑब्ज़र्व करते अपने क्लाइंट को हमारे क्लाइंट्स भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी एक एक बात को हमारा हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन uh, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी हमारा उठना बैठना एक एक चीज़ को देख रहे हैं हमारे रिएक्शन हमारे रिस्पॉन्स यही चीज़ हमारी टेपो बिल्डिंग में हमारी जो एम्पथी uh, होती है कॉम्पिडेंस uh, जो होता है हमारा हमारा जो वेलकमिंग बिहेवियर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड ये चीज़ें हमारी क्लाइंट के साथ रेपो बिल्डिंग में अहम रोल प्ले करती हैं तो हमें इस तरीके से उनके साथ एक रेपो बिल्ड करनी होती है देन द थर्ड स्टेप इस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इसके लिए हमने देखना होता है कि प्रॉब्लम के जो उम, इमर्ज कहाँ से हुई ये प्रॉब्लम यानी इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं फिर इसके प्रसिपिटेटिंग uh, फैक्टर्स कौन से हैं और फिर परपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये ईशू स्टार्ट हुआ दैन हमारे पास आता है इनहेंसिंग ऑफ अ सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन एंड बिहेवियर्स के uh, um, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर मतलब उनको थोड़ी सी डिस्कवरी की ज़रूरत होती जिसको मतलब हम उनके साथ उनकी हेल्प करके उन चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं और उसके बाद उन उस उन चीज़ों को डिस्कवर करने के बाद उनके बिहेवियर में चेंज लाना होता है तो उनकी जो स्किल्स हैं सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन की उसकी इन्हांसमेंट उसको इन्हेंस करके उनके बिहेवियर्स में चेंज लाना होता है दिस इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ द काउंसलिंग फिर जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई होती है उसको एसमुलेट करके हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं कि ये जो आपका जो यानी बहुत बाज़ात हमारे क्लाइंट वो प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं सोलूशन फोकस्ड नहीं होते यानी एक मसला है उसको उसका हल मौजूद होता है लेकिन उनका वो जो देखने का जो नज़रिया होता है वो ऐसे होता है कि मतलब वो उसको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको सोलूशन नज़र नहीं आते तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको मल्टीपल सोलूशन कौन से सोल्यूशन उनके लिए कितना लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकता है हम उनकी हम हम उनको नहीं बताते कि आप ये ये करें हम उनको एक हम एक डायरेक्शन में लेकर जाते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये शॉर्ट टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये जो सोल्यूशन ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा फाइनल डिसीजन वो लेंगे जैसे कि यहाँ ऑलरेडी इमेजन है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको सिखा देते हैं डेफिनेटली इट लीड्स टू द टू दिय डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग के बाद वो उन वो इस काबिल हो जाते हैं कि मतलब या हम उनके लिए हमारी हेल्प से हम उनके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं प्लान ऑफ एक्शन के बाद उनका जो सेकेंड स्टेप होता है वो उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है जब वो इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं फिर हमारा सेशन ये होता है कि हम हम उनसे फॉलो अप और रेफरल्स लेते हैं कि हम देखें कि काउंसलिंग सेशन हमारे मैक्स टू मैक्सिमम टू मंथ्स तक या वन मंथ तक भी हो सकते हैं उसके बाद कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम ये सेशन टर्मिनेट नहीं करने हम आपके पास आना चाहते हैं या हम अपने काउंसलिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर हम उनको वीकली नहीं टॉइस अ वीक सॉरी आफ्टर टू वीक्स या आफ्टर मंथ हम उनके साथ एक फॉलोअप सेशन रख सकते हैं और फिर इस तरह से कुछ टाइम बाद हम उनको टर्मिनेट कर लेते हैं तो ये सारा काउंसलिंग का प्रोसेस है